नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूँ आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील। मुंबई में 1000 करोड़ के ड्रग्स बरामद, प्लास्टिक के पाइप में छपाकर अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते लाई गई थी नशे की खैप, 2 कस्टम एजेंट समेत 4 गिरफ्तार। भारतीय हॉकी टीम फॉरवर्ड मनदीप सिंह की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, वायरस से संक्रमित होने वाले 6ठे प्लेयर। पतंजलि बन सकती है आईपीएल 2020 की स्पॉन्सर, बाबर रामदेव की कंपनी दिखा रही है दिलचस्पी। आज प्रकाश की खबर का पड़ा भारी असर, चंडीगढ़ में चैन स्नैचिंग की नई वारदात को अंजाम देने वाले चढ़े पुलिस के हत्थे। चंडीगढ़ निगम के खिलाफ सफाई कर्मी 15 अगस्त को कराएंगे मुंडन, मनाएंगे श्राद्ध। जहरीली शराब मामले को लेकर शीर्ष नेता चंडीगढ़ स्थित राजभवन को सोमवार 4थे दिन भी घेराव करने पहुंचे। हिमाचल के भक्तों के लिए मंदिर बंद, जम्बू वालों के लिए डीसी चंबा ने खोल दिए मणिमहेश के द्वार। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान कृष्ण कुमार चड्ढा की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में निर्णय लिया गया कि आगामी 15 अगस्त को सभी सफाई कर्मी काम छोड़कर नगर निगम के सामने मुंडन करवा श्राद्ध मनाएंगे, जिसका कारण है नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों को कलाई घड़ी बांधने की जोर जबरदस्ती करना। 15 अगस्त को हमने ये फैसला लिया, पूरी ने 15 अगस्त को हमने कॉर्पोरेशन मुंडन करवाना मेरे साथियों, जो भी अग्री बताना चाहता है वहाँ मुंडन भी करवाना मेरे साथियों, और श्राद्ध भी मनाना हमने मेरे साथियों वहाँ, तो इसलिए मैं प्रवोध कर रहा हूँ इसके घड़ी का। इसलिए विनती करने आया हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करने आया हूँ, धक्का हो रहा हमारे साथ मेरे साथियों, पूरा देश में कहीं घड़ी बता दे हमारे को, इस जगह घड़ी बांध रखे, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली वो कहीं बांध रखे तो मेरे को बताओ, ये घड़ी काम थोड़ी करवाएगी। इंसान ने काम करना, सफाई कर्मचारी ने काम करना है, मेरे भाई हेल्पर ने करना, ड्राइवर ने करना है, तो घड़ी काम थोड़ी करवाएगी, घड़ी बांध दे बैठ रहा इलाके में। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कई दिन से मैं धक्का करके चल रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे फिर चलना, मैं आपके विनती करें सारे मेरी बहनों के, नौजवान साथी रहे बुजुर्ग के, इसलिए मैं अरदास कर रहा हूँ 21 तारीख को बिल्कुल झाड़ू नहीं मारनी आपने किसी ने पूरे शहर में, धन्यवाद जी, गोगल शब्द निकल जाओगे। पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है, इस रंग में कैप्टन सरकार पूरी तरह से रंगती दिखाई भी दे रही है। सोमवार को मुख्य विपक्षी दल शियद के नेता प्रदर्शन के 4थे दिन भी राजभवन को घेरने पहुंचे और अमरिंदर सरकार का कड़ा विरोध किया। सरकार के खिलाफ धरना दिता सी जी, लोगों च बहुत बड़ा जोश है, जिथे जोश है उत्थे गुस्सा भी है। तकरीबन 137 परिवारों के जिहड़े मुखी सी उह तां बेचारे मर गए, सैकड़े बेचारे अखां तों अन्ने हो गए, किसी के गुरदे खत्म हो गए, किसी के फेफड़े खत्म हो गए, घर तों घर 5-6-7 परिवार यह जहरीली शराब ने बर्बाद कर दिता। असीं बार बार मंग करते हैं कि पंजाब सरकार के पहला भी 4 सालों बहुत कुछ होया, सैट बिठाते ने, सैट बिठा के लोगों के अखां मूहरे घट्टा पा के काम नूं बंद कर देते ने। हिमाचल के भक्तों के लिए मंदिर बंद, जम्मू वालों के लिए डीसी चंबा ने खोल दिए मणिमहेश के द्वार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चंबा के डीसी विवेक भाटिया ने एक और कारनामा कर दिया है। कोरोना के बीच जहां हिमाचल के भक्तों के लिए सरकार ने मंदिरों के दरवाजे बंद कर रखे हैं, वहीं डीसी चंबा ने जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के भक्तों के लिए मणिमहेश यात्रा के लिए मंदिरों के दरवाजे खोल रखे हैं। शनिवार और रविवार को पड़ोसी राज्यों से 40 भक्तों का जत्था जन्माष्टमी स्नान के लिए भरमौर पहुँचा। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए अर्थप्रकाश टीवी। अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स, और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव